अनेक बार ऐसा होता है कि आपकी भूमि एक इच्छित स्थान पर होने के बावजूद भी बिक नहीं पाती है या उसकी बिक्री नहीं होती है। उसके पीछे अनेक कारण हैं, लेकिन जो एक मूल कारण है उसमें प्रथम कारण ये आता है कि आसपास की जो स्थिति है उसकी नकारात्मकता या उस भूमि में उपस्थित नकारात्मकता जो आपके खरीदने के बाद उसमें बनी है, जिस कारण से वह भूमि आदमी आके देखता तो है, हो सकता है पसंद भी कर ले, लेकिन ऐन मौके पे जब खरीदने की बारी आती है तो आदमी पीछे हटने लगता है, वरना आनाकानी करने लगता है। आज मैं आपको इसी से संबंधित एक यंत्र के विषय में बताने जा रहा हूँ जो कि आसानी से साधक स्वयं से अपने घर पे बना सकते हैं, और इस यंत्र को अपनी भूमि में स्थापित करके आप अपनी ज़मीन का क्रय विक्रय कर सकते हैं। यह एक साथ 8 यंत्र बनते हैं जो आपको अपनी भूमि के 8 स्थान पर लगाने होते हैं या गाड़े जाते हैं ज़मीन के अंदर। आप इनका उपयोग वो लोग भी कर सकते हैं जिनका रियल एस्टेट आदि का बिजनेस है, वो वहाँ पे किसी भी स्थान पे कंस्ट्रक्शन शुरू करने से पहले यदि यंत्रों को गाड़ देते हैं तो उनके बनाए गए फ्लैट आदि भी बहुत तेज़ी से बिकने लगते हैं। साधना का मंत्र निशुल्क रूप से टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। इस यंत्र को बनाना अत्यंत आसान है। इसके लिए आपको 6 मुखी रुद्राक्ष की माला से 7 माला प्रतिदिन 21 दिन तक उत्तर दिशा की तरफ मुख कर लाल आसन पर बैठ के प्रतिदिन जप करना है। इसमें गणपति तंत्र धारण करना आवश्यक है। हवन सामग्री कुछ इस प्रकार से रहेगी, लकड़ी आम की रहेगी, आहुति में मोतीचूर के लड्डू जाएंगे, तर्पण मार्जन मिश्री एवं जल से मिले हुए मिश्री जल से होगा, हवन कुंड के कोने 8 होंगे। इस साधना में ब्रह्मचर्य में रहना आवश्यक है। भोजन आपका सामान्य रहेगा, स्थान आपका घर रहेगा, स्थान परिवर्तन आप कर सकते हैं गणपति तंत्र धारण करने के बाद। ध्यान आवश्यक है, वैवाहिक व्यक्ति इसे कर सकते हैं, स्त्रियां भी यह साधना कर सकती हैं। धार्मिक स्थल पर आने जाने पर कोई रोक टोक नहीं है। भोग में कुछ नहीं है इसमें। भोजपत्र पे इस यंत्र को बनाएं, अर्थात ऐसे 8 यंत्र बनाएं और पोटलियां अपने सामने रखें, और जो कि 21 दिन की साधना में आपके समक्ष में रहेंगी। पोटलियों को खोलें और ज़मीन में गाड़ दें। 1 माह के भीतर आपकी ज़मीन की बिक्री हो जाएगी, और बिक्री होने के बाद 2% धनराशि संस्था में अनुदान स्वरूप अवश्य दें। धन्यवाद।